आज का टॉपिक है कि बहुत कम उम्र के बच्चे या जो भी हैं ये लव के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत समझाया, हमारे पास तो हजारों हजार के बच्चे आते जाते हैं, पढ़े और गए। ऐसे रिलेशन मत क्रिएट करिए जहां आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए। वैल्यू कैसे बढ़ेगा? जब आप पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे। आप अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगाइए। डोंट वेस्टेज योर एनर्जी ऑन फेक लव। आप झूठ मूठ के प्यार के चक्कर में पड़ के अपने पूरे जीवन को, आप पूरे अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, इसकी आपकी ख्याल होना चाहिए। जब आप पूरे लाइफ में आगे जिस दिन बढ़ जाएंगे ना, तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपके पॉकेट में पैसा रहेगा ना और सुंदर लड़की होगी, तो 2 मिनट के अंदर लव हो जाएगा। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेंगे, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो ऐसे रिलेशन का क्या होना जो मुसीबत में भी आपका साथ ना दे। हमेशा बताते हैं, आप किसी के लिए क्या करते हैं नहीं करते हैं वो डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है, कोई माने नहीं रखता है। माने रखता है कि आप अपने ऊपर कितना एनर्जी लॉस किए, आप पढ़ाई में कितना एनर्जी लगा रहे हैं। इसीलिए आपका जो भी है, जब भी आप किसी से लव करते हैं, प्यार करते हैं, उसके पीछे पीछे आप पागल हो जाते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, फिर भी वो रिप्लाई नहीं करती। 10-10 मैसेज किए जा रहे हैं, लास्ट में एक सोते समय एक छोटा सा रिप्लाई कर देगी, उसमें आप खुश हो जाते हैं। वो सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार में इमोशन और फीलिंग्स होता है जो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। इसलिए अभी भी समय है कि सुधर जाइए और लड़की उड़की के चक्कर में मत पड़िए। लाइफ को पहले सेट करिए। जिस दिन लाइफ सेट हो जाएगा, लड़की यूं ही दौड़ी दौड़ी आ जाएगी। याद रखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। आप अभी सर झुका के पढ़ लीजिए, पूरे जिला में आपका सर सबसे ऊंचा होगा। आप यूपीएससी निकालिए और जिसने तुमको ठुकराया है ना, वो भी हालचाल पूछेगी शादी होने के बाद भी। याद रखिएगा, इसीलिए सच्चा प्यार तभी होगा जब आप कामयाब होंगे। आप किसके लिए क्या करते हैं नहीं करते हैं कोई मैटर नहीं करता है। आप प्यार जताते हैं कि मैं तुमसे बहुत लव करता हूं, मत जताइए, उसका कोई कदर नहीं है। आपने कह दिया कि मैं आपके लिए कैंटीन से जाकर पिज्जा लाया, वहां बहुत भीड़ थी, हमने धक्का खाया, फिर भी आपको मैंने पिज्जा खिलाया। डजंट मैटर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ये दुनिया के माया जाल से निकलिए और दिन रात एक करिए। आपके माता पिता आपके गांव में इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन अच्छा कोई ऑफिसर बन के आएगा। और आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो न जाने कितने पीछे चले जाएंगे, इसकी आपको ख्याल होना चाहिए। इसलिए इमोशन और फीलिंग्स को समझे और हमेशा जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद।